सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बीपीसीएल स्टॉक के ऊपर हम बुधवार को कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाएंगे उसके बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उसका कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करके हम देखते हैं कि ये स्टॉक कैसे मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। अगर ये स्टॉक डाउनसाइड मूवमेंट देने की बहुत ज्यादा चांस है तो ये कितना नीचे जा सकता है, ये सारे चीज हम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका टेक्निकल एनालिसिस करके ये सारे चीज जानते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बीपीसीएल का डेली चार्ट ओपन किया है और इसी डेली चार्ट के हिसाब से ये देखिए एक डबल टॉप का लेबल को आया है। तो जब भी ये डबल टॉप का लेबल को आया, इसके बाद ये देखिए थोड़ा साइडवाइज मूवमेंट दे रहा है। तो देखिए इसका जो डबल टॉप का लेबल 363.6 से लेकर 384, तो यहाँ पे ये 20 पॉइंट के आसपास इसका डबल टॉप का लेबल फॉर्म कर रहा है और इसी लेबल पे ये स्टॉक थोड़ा रेजिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए डबल टॉप का लेबल को आने के बाद ये जो पैटर्न फॉर्म किया है ये एक दोजी का पैटर्न है और इसके बाद देखिए इमीडिएट यहाँ पे बियरिश कैंडल फॉर्म किया है। अगर आप ये तीन दिन के कैंडल को मिलाते हैं तो ये तीन दिन के कैंडल के हिसाब से यहाँ पे बियरिश इवनिंग स्टार का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, बियरिश इवनिंग स्टार एक ट्रिपल कैंडल पैटर्न होता है जो हमको मार्केट नीचे जाने के लिए सिग्नल देता है। तो ये पैटर्न के हिसाब से बीपीसीएल का स्टॉक नीचे जाने के हमको सिग्नल दे रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का बियरिश पैटर्न फॉर्म होता है और ये पैटर्न अगर किसी भी जोन पे आता है, जोन मतलब जो एक्युमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है, तो ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है और इसी जोन को आने के बाद इस टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसीलिए दोस्तों, मेजर चांस है कि स्टॉक ये इसी लेवल से नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो कितना नीचे जा सकता है, देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका एटीआर का वैल्यू ऐड करके रखा है। तो एटीआर वैल्यू के हिसाब से ऑन एंड एवरेज 10 पॉइंट के आसपास तीन का मूवमेंट देता है। अगर ये 10 पॉइंट के आसपास मूवमेंट देता है, हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि 8 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट दे देगा। अगर ये 8 पॉइंट के आसपास मूवमेंट देता है तो हमको जो शॉर्ट सेलिंग करना है, हम बेसिकली आज का जब लो को ब्रेक करेगा तभी हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो जब भी ये स्टॉक 363 का लेवल के आसपास आएगा तो हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 8 पॉइंट नीचे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 4 पॉइंट ऊपर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा और टारगेट कहाँ पे रहेगा। देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 367 के आसपास और हमारा जो टारगेट रहेगा ये 355 के आसपास। तो 355 का लेवल ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमको 1:2 रेशियो पे इसी स्टॉक पे ट्रेड करने के लिए मिल रहा है। तो ये 1:2 रेशियो के हिसाब से हम अगर ये स्टॉक पे ट्रेड करने के लिए जाएंगे, हमको ध्यान भी ये रखना है कि हम जितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं इतना स्टॉप लॉस हमारा रिस्टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम ले पाएंगे या नहीं। अगर आप रिस्टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इतना स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर पाओगे तभी आप ये स्टॉक पे एंट्री करोगे। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि कितना वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों, अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि ये स्टॉक और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए दोस्तों, बुधवार को हम इसी स्टॉक पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमको स्टॉप लॉस और टारगेट ध्यान पे रख के और हमारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखते ही हमको ट्रेड करना है। दोस्तों, ये था बीपीसीएल स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक नीचे जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ मदद मिल रहा है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी ने इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। दोस्तों, आप ये स्टॉक पे ट्रेड करने से पहले मैंने जितना रिस्क बताया है वो स्टॉप लॉस के हिसाब से आप आपका रिस्क कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप उतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाएंगे तभी आप ये स्टॉक पे एंट्री कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।